नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एबीएस क्लास पे। दोस्तों यहाँ पे कक्षा 11वीं का जो न्यू ब्लूप्रिंट आया है, न्यू ब्लूप्रिंट में आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लगभग जो आप लोग को बता रहा था कि 30% से रिड्यूज हो जाएगा सिलेबस, लेकिन यहाँ पे लगभग 40 से 45% रिड्यूज हो चुका है, क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ाई नहीं हुआ इस वजह से। तो चैनल बनाए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए कक्षा 11वीं वाले यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री का। देखिए आप लोग का चैप्टर, कुछ कुछ चैप्टर जो कि हटा दिया गया है, बाकी का हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ हटा दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से क्या गया, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, इसमें 6 नंबर के आने हैं। तो 6 नंबर में क्या क्या हटा दिया गया है, पदार्थ की प्रकृति हटा दिया गया है, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणुवाद, तत्व की अवधारणा एवं परमाणु को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी का जो भी है ये। इसके बाद चलिए यहाँ पे बता देता हूँ चैप्टर सेकंड का, परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक एवं संभारिक, थॉमसन मॉडल एवं इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल एवं इसकी सीमाएं को छोड़कर। ठीक है, इन सभी को बिल्कुल आप लोग को बारीकी से समझना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों का आवर्तिता आएगा, क्या क्या ये सब चीज पूरा एकदम से क्लियर यहाँ पे कर लेना है। चैप्टर थर्ड से क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास को छोड़कर बाकी सब चीज पढ़ना है अपन को। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा ये सब रिड्यूज हो चुके हैं। चैप्टर 4 आपका रिड्यूज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, 5 भी रिड्यूज है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं अपन। बचा 6 में देखना अपन को, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, पूरा बताने वाला हूं इसमें। रासायनिक ऊष्मागतिकी में क्या, ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता को, इसके बाद गतिज ऊर्जा, इसके बाद आणविक गति, इसके बाद वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुणात्मक अवधारणा, कोई घटती व्युत्पत्ति नहीं करना, कोई छोड़कर बाकी का सब चीज जो भी है, तो वो सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद अपन लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे आप लोग का 7th अध्याय में साम्यावस्था में नमक का अवक्षेपण और हेंडरसन समीकरण को छोड़कर बाकी का जो भी, ये सब चीजें पूरे रिड्यूज तो यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया में ये हो जाएगा अध्याय 9 में। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 8वां रेडॉक्स अभिक्रिया डिलीट हो चुका है। इसके बाद 9वां देखते हैं, हाइड्रोजन में H2 बनाने की विधि, गुड़ एवं उपयोग, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने की विधि, रासायनिक संरचना एवं उपयोग को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चैप्टर 10वें में। तो यस ब्लॉक तत्व, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बनाने की विधियां एवं गुण तथा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम व पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है हाइड्रोक्साइड होगा, तथा कैल्शियम कार्बोनेट एवं उसका औद्योगिक महत्व, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का जैविक महत्व को छोड़कर बाकी का जो भी है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 11 देखते हैं, 11th, इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, अम्लो क्षारों के साथ क्रिया एवं उपयोग, कार्बन, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके उपयोग, ऑक्साइड, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स तथा जियोलाइट एवं उनके उपयोग को छोड़कर। इसके बाद अध्याय 12 देखते हैं, अध्याय 12 में क्या है, कार्बनिक रसायन में शोधन की विधियां, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण को छोड़कर ये हो जाएगा। 13वां अध्याय में हाइड्रोकार्बन में क्या है, मुक्त मूलक, हेलोजनीकरण की क्रिया विधि, दहन, पायरोलिसिस को छोड़कर ये हो जाएगा। इसके बाद अध्याय जो 14 है आप लोग का डिलीट हो चुका है, मतलब इस हटा दिया गया पर्यावरणीय रसायन। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे क्लियर मैं बता दिया हूँ आप लोग को, तो आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर रूप से आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होता कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और पूरा चैप्टर का बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इनको पूरा बारीकी समझाइए, कैसे मतलब इनको करना क्या कैसे, तो ये पूरा यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अरे यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।